नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है तो आपको सभी लोग छोड़कर जा रहे होते हैं। या दोस्तों, अभी जो हमारा समय चल रहा है वो बहुत अच्छा समय है भारत का, और उसी की बात अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर उनका समय इस वक्त वाकई बड़ा ख़राब चल रहा है। वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 20% से भी ज़्यादा का है। वहाँ लोग खाने पीने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों, उनका एक प्रोजेक्ट था ग्वादर में जो कि फ्लॉप हो गया है, और उसकी वजह से उनके हाथ से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चली गई है। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि इससे उनको क्या नुकसान हुआ और उससे भारत का क्या फ़ायदा होने जा रहा है। आइए समझते हैं दोस्तों पूरी न्यूज़ को विस्तार से कि खबर पूरी है क्या। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर अपना एक सीपैक प्रोजेक्ट पूरा कर रहे थे, जिसमें एक उनका ग्वादर पोर्ट था उसको भी वो डेवलप कर रहे थे। और जब वो डेवलप हो जाना था तो उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट आनी थी करीब $10 बिलियन की सऊदी अरब से। सऊदी अरब की एक पेट्रोलियम कंपनी है सऊदी अरामको के नाम से, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, जिसने कि अब पूरी तरह से अपना मन वहाँ से हटा लिया है वहाँ पर पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट के लिए। रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो ग्वादर पोर्ट है उनका, ये फ्लॉप साबित हो गया, फेल हो गया है। वो डेवलपमेंट जैसी होनी चाहिए वो हो नहीं पाई उस समय में, तो इस वजह से सऊदी अरामको ने अपना वहाँ से मन हटा लिया है और वो इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अभी जैसे कि उनका लेटेस्ट जो आया है नंबर रिजल्ट उनके जो आए हैं, तो 2023 में उन्होंने $121 बिलियन का प्रॉफिट कमाया, और यही अगर बात करें 2022 की तो वहाँ पर 2022 में इन्होंने $161 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। तो 2023 में 25% प्रॉफिट इनका कम हो गया। इसके बावजूद वो पूरे वर्ल्ड में करीब $150 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और उस $150 बिलियन में भी करीब 20-25% अमाउंट वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो चाहते हैं कि इस इमर्जिंग मार्केट का वो भी फ़ायदा उठा लें अरामको वाले, तो इसीलिए वो 20-25% का अमाउंट इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर उसको हम रुपए में कन्वर्ट करें तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, जिस वक्त ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो इंडिया की ग्रोथ इंजन जो चल रहा है अपनी सुपर फास्ट स्पीड से, उसमें और भी ज़्यादा स्पीड आ जाएगी, ग्रोथ हमारी और आगे जाएगी, हमारा जो जॉब क्रिएशन है वो और ज़्यादा क्रिएट होंगी, बहुत खुशहाली बढ़ जाएगी, ये समझ लीजिए। अच्छा, इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर आ रही है तो उससे भारत के लोगों का क्या फ़ायदा? कंपनी आ रही है, ठीक है, ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये तो समझ में आ गया है। इसके अलावा जो कंज्यूमर होंगे उनको क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों, इससे कंज्यूमर को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में आएगी, वो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचेगी, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा। जैसा कि अभी देखा जाए, कॉम्पिटिशन अभी रिलायंस वाले हैं जैसे और कुछ सरकारी कंपनियाँ, इन्हीं के बीच में होता है, तो अभी पूरी तरह से कंट्रोल यहाँ पर सरकारी कंपनियों के ऊपर सरकार का है। जब प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर आएगा, यानी कि कोई विदेशी कंपनी जब यहाँ पर आएगी, वो बिज़नेस करेगी, तो बनी बात है वो यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन देगी यहाँ के लोगों को। अगर उनका प्रोडक्ट लोगों को समझ में आ गया, प्राइस कुछ उसको कम मिले, क्वालिटी अच्छी मिली, तो बनी बात है वो फिर उनसे लेना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा वैसे ही लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी मिलने लगेगी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्राइस भी कम होंगे। दोस्तों, ये तो बात हो गई सऊदी अरामको की। अब दोस्तों, सऊदी अरामको के बारे में आपको एक बात और भी बता दें कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी रिफ़ाइनिंग कंपनी है वो सऊदी अरामको है, दूसरे नंबर पे चाइना की कंपनी का नाम आता है। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है मुस्लिम वर्ल्ड में, और उसकी ही ये कंपनी है। ये मान लीजिए कि इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी अरब की ही चलती है, वो बॉस है उनका, एक तरीके से खलीफा है सऊदी अरब, उसकी ये बड़ी कंपनी है, ये इंडिया में आने के बारे में सोच रही है। तो दोस्तों, भारत के इससे जो उस रीजन में जो फ्रेंडशिप है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है सऊदी अरब के साथ, तो इससे भारत को इस्लामिक वर्ल्ड में भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी अपनी चीज़ें और अच्छी करने में।
दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि भारत के लिए तो पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है। एक तो भारत को यहाँ पे सऊदी अरामको का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट मिलने से भारत की जो पैसे आने से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो हमारी ग्रोथ है उसमें और चार चांद लगेंगे और ज़्यादा स्पीड से हमारी ग्रोथ होगी। दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इससे लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो यहाँ के प्लेयर्स जो हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा अच्छी क्वालिटी एंड अच्छे प्राइस पे देने का, मतलब कि सस्ते प्राइस पे। तो लोगों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। अब इससे जुड़ी हुई कोई और डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।